हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट कॉलेज ब्लॉग एवर। और आज के दिन मेरा मेडिसिन का प्रैक्टिकल है, विच इज द सेकेंड इंटरनल असेसमेंट इन थर्ड ईयर। तो सुबह की शुरुआत होती है अलार्म नंबर 1 से, फिर बजता है अलार्म नंबर 2, बजता है अलार्म नंबर 3। इतने भयानक अलार्म के बजने के बाद मैं उठती हूँ 9 बजे के प्रैक्टिकल के लिए, और कुछ इस तरह थैनोस की तरह चुटकी बजा के मैं हो जाती हूँ रेडी। अरे जज मत करो यार, अभी रेडी होना बाकी है। और बालों को फ्लिप करके मैं चली जाती हूँ तैयार होने, और ये मैंने बालों को बांध दिया है, चोटी एकदम बना ली है, एंड आई एम रेडी। आज के नाश्ता होता है पोहा। पोहा, वाओ। और नाश्ते के एक पैक करने के बाद मुझे रियलाइज होता है खाना खाते टाइम कितने बेकार लगते हैं। फिर इसके बाद आती है मेरी चाय। वाह। और चाय पीने के बाद में ऐसा एहसास होता है कि जैसे जन्नत मिल गई। वाह, खुशी देख रहे हो मतलब। और चाय और नाश्ते के आनंद लेने के बाद में हर एक मेडिको की लाइफ में 2 थॉट्स हमेशा आते हैं। पहला थॉट कि अब मैंने मेडिसिन का प्रैक्टिकल है, अब मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं है, अब अगर सर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, पता नहीं क्या होगा यार मेरा। और दूसरा थॉट ये आता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास रहने का। अच्छे और सच्चे मेडिको ने हमेशा ही सेकेंड ऑप्शन को ही चुना है। टाइम हो चुका है अब 8:40, और फटाफट अब मुझे जाना है कॉलेज। और ये मैंने अप्रिंग को सही किया, और ये थोड़ी सी मैं अटक चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, फील्ड में रहते हुए फटाफट चोटी पीछे करते हुए कॉलेज को सही करते हुए। और ये मैंने पहन लिया है ऑलरेडी लुकिंग गुड। और यहाँ मैं अपने ड्राइवर से बात कर रही हूँ कि फटाफट मुझे कॉलेज जाना है, तो पार्किंग में से गाड़ी बाहर निकाल दो। रेडी होने के बाद में मैं उतरती हूँ सीढ़ियों से नीचे और घर के बाहर जाती हूँ, और मैं अपने ड्राइवर को आवाज लगाती हूँ, ड्राइवर गाड़ी का है ड्राइवर। तो फिर रियलाइज होता है मेरी गाड़ी तो मेरे पास में ही है, मेरे 2 पैर, मेरे 11 नंबर की गड्डी, और मैं अपनी गड्डी को लेके चलने लग जाती हूँ कॉलेज की तरफ। अपनी गड्डी से मैं कॉलेज की तरफ जा ही रही होती हूँ, और ये है मेरे कॉलेज का बैकग्राउंड जहाँ मेरी मुलाकात होती है काजल से। पहले तो काजल अपना मुंह छुपा रही है, और फिर मैंने इसको बोला कि ये ब्लॉग यूट्यूब पे आएगा, तो फिल्म को देखते हुए उसने भी हाय बोल दिया है। मैं और काजल दोनों ही पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, जहां हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल शुरू होने में भी टाइम है। तो हम दोनों अपनी 11 नंबर की गड्डी से पहुंच जाते हैं टी स्टॉल, जहां हम पीते हैं चाय। थैंक यू काजल फॉर दिस ट्रीट। फिर हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, तो मैं दौड़ते भागते पहुंच जाती हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ, और वहां देखती हूँ सारे बच्चों को जो सभी के सभी मोबाइल में लगे हुए, सभी पढ़ रहे हैं, और इन्हें देखकर मेरी एंजाइटी और बढ़ जाती है। मीनवाइल वहीं कविता दे रही है साइकेट्री डिपार्टमेंट की बाहर पोज। बच्चे इतने झुंड में खड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं अंदर सर्वाइवा में क्या पूछ रहे हैं। ओ गॉड, इन्हें देखकर मेरी एंजाइटी और बढ़ गई है, अब क्या होगा। और ये मैं अपना वाइवा देकर बाहर निकल चुकी हूँ। खुशी देख रहे हो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वाइवा कैसा गया, इम्पोर्टेंट ये है कि वाइवा हो गया है। अब मैं अपनी इस 11 नंबर की गड्डी से निकलती हूँ नीचे घर पे जाने के लिए, टुक 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 टुक, और तभी मेरी मुलाकात होती है कृतिक से। फिर कृतिक मुझे लिफ्ट ऑफर करता है, और मैं उसे कहती हूँ कि यस जरूर, पर पीछे बैठेगा तू, गाड़ी मैं चलाऊंगी। और कुछ इस तरह मैं निकल जाती हूँ कॉलेज से बाहर धूम मचाने वाली स्टाइल में। और ये मेरी वीडियो बना रहा है कृतिक पीछे से, और मुझे बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में मुझे। और इस तरह अब मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर की तरफ। ये बीच में थोड़ी सी आ रही है गाय, जिसको मैंने किया है साइड, और ये मैं उतर चुकी हूँ अब अपने घर के बाहर। अब मैं करती हूँ गाड़ी को बंद और लगाती हूँ उसको स्टैंड पे, और ये ले रहा है कृतिक मेरी वीडियो। कृतिक का ये मानना है कि वीडियो में हाय बोलना है तो बाय भी बोलना जरूरी है।
सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट मिनी कॉलेज व्लॉग। व्लॉग बनाने में मुझे बहुत मजा आया, आई होप आपको देखने में भी आया हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।